नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विंड टर्बाइंस के बारे में बताऊंगा। विंड एनर्जी एंड विंड टर्बाइंस क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार के विंड टर्बाइंस होते हैं, पार्ट्स एंड वर्किंग, एप्लीकेशंस ऑफ विंड एनर्जी एंड एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। दोस्तों, सब्जेक्ट आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड EEES, जिसके अंदर अक्सर विंड टर्बाइन एंड विंड एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं विंड टर्बाइन। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो विंड टर्बाइन दोस्तों, जैसे कि आपने अभी तक हाइड्रोलिक टर्बाइंस के बारे में पढ़ा है, तो हाइड्रोलिक टर्बाइंस जो वर्क करते हैं, सिमिलर हमारा होता है विंड टर्बाइंस का। विंड टर्बाइन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट विंड एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। जो विंड टर्बाइंस होते हैं, विंड टर्बाइंस एक इस प्रकार की युक्ति है जो परिवर्तित करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इंटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी फर्दर चेंज इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो यहाँ पे जो विंड टर्बाइंस होता है, विंड टर्बाइंस में हम क्या करते हैं, जो विंड होती है, हवा चलती है, इससे हम टर्बाइन को रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं। तो जब हमारी हवा से टर्बाइन घूमेगा, तो यहाँ पे आपकी जो विंड ऊर्जा है, ये हमारी किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। और जब टरबाइन घूम रहा है, तो टरबाइन की साफ्ट से हम जनरेटर को कनेक्ट कर देंगे, तो जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी किस में परिवर्तित हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये काम होता है किसका, विंड टरबाइंस का। विंड एनर्जी या विंड पावर है जो मोस्टली यूज ऑफ विंड टरबाइंस फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन, या इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन। तो विंड टर्बाइंस में आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन होता है एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन होता है। विंड टर्बाइंस दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, मल्टी ब्लेड टाइप, सेल टाइप एंड प्रोपेलर टाइप। एंड वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन फर्दर डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, सेवोनियस टाइप एंड डेरियस टाइप। ये हमारी जो टर्बाइंस होती हैं विंड टर्बाइन, इसमें नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस प्रकार से और वर्टिकल एक्सिस मतलब इस प्रकार से। इसके बाद इसके ब्लेड के आधार पर मल्टी ब्लेड टाइप होता है, सेल टाइप होता है और प्रोपेलर टाइप होता है। एंड जो वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन होते हैं विंड टर्बाइन, ये सेवोनियस टाइप होते हैं एंड डेरियस टाइप होते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ विंड टर्बाइंस या विंड मिल्स। नाउ मेन पार्ट्स एंड वर्किंग। मेन पार्ट्स में जैसे कि डायग्राम है, तो सबसे पहले हमारा जो क्राइटेरिया होता है, विंड टर्बाइन हम वहां पे लगाते हैं जो हिली एरिया हो, जहां पे हमको विंड की स्पीड बहुत अच्छी मिले, बहुत तेज विंड की स्पीड होगी, वहां पे हम लगाएंगे किसके लिए, विंड टर्बाइंस के लिए। तो जो विंड टर्बाइंस होते हैं, इसके जो मेजर पार्ट्स होते हैं, इसमें एक तो ब्लेड्स होती है, ब्लेड टू ब्लेड्स भी हो सकती है, मल्टी ब्लेड में थ्री ब्लेड फोर ब्लेड भी हो सकती है, चार ब्लेड हो सकती हैं। तो मीन्स इसको हम मल्टी ब्लेड टर्बाइंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको डायग्राम में दिखाया है, इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स कितनी है, टू है, और ये रोटर के ऊपर क्या है, माउंट है। ठीक, तो इसमें रोटर हो गया, रोटर से हमारा कनेक्टेड होता है लो स्पीड शाफ्ट। लो स्पीड शाफ्ट मीन्स जिस स्पीड से हमारी इसकी ब्लेड रोटेट करेंगी, हमारी शाफ्ट भी क्या होगी, घूमेगी। इसके बाद होता है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या करता है, इस लो स्पीड को कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है किसमें, हाई स्पीड में, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट डाया डिफरेंट साइज के गियर्स को यूज करके नंबर ऑफ आरपीएम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स के बाद जनरेटर होता है। तो जो हाई स्पीड शाफ्ट है, दिस हाई स्पीड शाफ्ट कनेक्ट विद जनरेटर, एंड जनरेटर इज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, या जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद टावर। तो टावर मींस
ये जो पाइप है जिसको हम टावर्स बोल रहे हैं, इसका वन एंड इज कनेक्टेड टू द ऑन ग्राउंड एंड अदर एंड टॉप असेंबल विथ दीज पार्ट्स। ठीक, तो ये टावर की जितनी अधिक हाइट होगी हमको अच्छी विंड की लेवल मिलेगी। तो ये टावर की जो हाइट है इसको हम अपने आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। हम छत पर लगा रहे हैं या हम किसी पहाड़ पर लगा रहे हैं, तो हमको सबसे पहले विंड फ्लो देखना पड़ेगी कि किस जगह पे, किस क्षेत्र में विंड जो है, हवा है, वो यूनिफॉर्मली और तेज चलती है, वहीं पे हम इसको अटैच करेंगे पावर जनरेशन के लिए। अब इसकी एप्लीकेशंस में जैसे कि विंड एनर्जी यूज्ड फॉर सेलिंग बोट्स, जो विंड ऊर्जा होती है इसका उपयोग हम सेलिंग बोट्स में भी करते हैं, वाटर को पंप करने के लिए भी करते हैं, ग्रेन्स को मिल करने के लिए भी करते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी करते हैं। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ विंड एनर्जी या विंड टरबाइन यूज फॉर पावर जनरेशन। ठीक, एडवांटेजेस में विंड इज रिलायबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे खासियत ये है कि जो विंड होती है, विंड रिलायबल तो है ही, साथ में क्या होती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहलाती है, क्योंकि विंड एनर्जी जो है ये पॉल्यूशन फ्री होती है। तो जो विंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी रिड्यूस्ड कार्बन एमिशंस, विंड एनर्जी क्या करती है, कार्बन जो एमिशंस होता है उसके लिए भी क्या करती है, रिड्यूस करती है, क्योंकि विंड एनर्जी से कोई यहाँ पे फ्यूल तो बर्न होता नहीं है, तो एक तो क्या है, ये पॉल्यूशन फ्री होती है। थर्ड है, विंड एनर्जी इज कॉस्ट इफेक्टिव। विंड जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ये क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है विंड एनर्जी, क्योंकि विंड एनर्जी आपकी हो सकता है कि यूनिफॉर्म नहीं चलेगी, लेकिन जो आपको टरबाइन का ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लगभग ना के बराबर है, जीरो, क्योंकि दिस इज डिपेंड ऑन द विंड फ्लो। यदि हवा चलेगी टरबाइन घूमेगा और पावर जनरेट होगी, हवा नहीं चलेगी टरबाइन रोटेट नहीं करेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट इज जीरो। मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट टरबाइन के हिसाब से जीरो रखी हुई है, बाकी हल्की फुल्की मिसलेनियस कुछ हो सकती है, बट टरबाइन को जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ये हमारी क्या होती है, इसकी जीरो होती है। सिमिलर टू हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट हम जानते हैं डिपेंड ऑन द रेनफॉल, बारिश होगी वाटर स्टोर होगा, हमारा प्लांट रन करेगा, यदि वाटर स्टोर नहीं होगा तो प्लांट रन नहीं करेगा। तो वहाँ पे वाटर का यूटिलाइज होता है, यहाँ पे हम विंड का यूटिलाइज करते हैं। तो इसके जो विंड टर्बाइन्स होते हैं या विंड एनर्जी है, इसके लिए कुछ साइट सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पे विंड टर्बाइन को रेफर किया जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।